गैप में शॉट, स्वीपर कवर के बीच में से चौका बटोरा यहां पर बैट्समैन ने, डॉक्टर राकेश जैन और मकरांत अमित उतरे। मकरांत और अमित की ऑलमोस्ट बॉडी लैंग्वेज सेम ही है, तो चौका आता हुआ इस बीच। मकरांत लेफ्ट हैंडर है, स्कोर 5। रोहित कदम पावर प्ले में अगली बॉल लेकर ऑन दी अप, खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, पीछे फील्डर के लिए एक लंबा चेज, भरपूर कोशिश, लेकिन वंस अगेन एक और बाउंड्री आता हुआ। बैक टू बैक दो गेंदे ऑफसाइड के एरिया में, दो चौके बटोरे अमित ने, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर। मित्र क्रिकेट लीग को पावर्ड बाय मित्र हॉस्पिटल खारघर। स्ट्राइक पर अमित, दो गेंदे दो बाउंड्री, पटकी हुई बॉल थी, शॉर्ट आर्म पुल किया है, बॉल जाता हुआ एक और लॉन्ग लेग के एरिया में, खराब गेंदबाजी में कहूंगा। इतनी पटकी हुई बॉलिंग करेंगे किसी भी बैटर के लिए आसान सा शॉर्ट सिलेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन है, और वही किया अमित ने, 3 बॉल पर 3 चौके लगाए यहाँ पर। इस बीच पावर प्ले में पावरफुल बैटिंग, फ्लाइंग शुरुआत नेरुल चैंपियंस की टीम के लिए रसायनी के खिलाफ। फुलर लेंथ बॉल, फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद और पैर में हल्का सा गैप दिखने को मिला, जिसकी वजह से गेंद सीधा ऑफ स्टंप पर गिल्लियां बिखेरती हुई, क्लीन बोल्ड हुए। यू मिस आई विल हिट, रोहित कदम ने चटकाया विकेट, अमित की पारी खत्म होती हुई। तेरह के स्कोर पर पहला झटका लगा है टीम नेरुल चैंपियंस की टीम को। लंच काउंटर ओपन हो चुका है, जितने भी हमारे डॉक्टर्स भाई उनसे विनंती, प्लीज जाकर लंच कर लीजिए। आज के दिन का ये 5वां मैच, टोटल फाइनल पकड़कर 7 मैचेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित जी गरत फॉर कमिंग। अगली बॉल ओवर द विकेट, क्लीन बोल्ड, अंदर आया बॉल, बैट्समैन को बाहर जाना होगा। रोहित कदम, इसलिए कहते हैं कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा। यस गीत बजाइए। पहले ही ओवर में दो बड़े झटके दिए, पीछे टावर भी नजर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वैसा ही 440 वॉट का झटका था ये, 13-0 था, 13-0 अब 2 है। अमित आउट हुए, उनके पीछे पीछे प्रशांत ने कहा चलिए मैं भी आता हूं। प्रशांत धुमाल, ये बड़ी विकेट थी, खतरनाक खिलाड़ी, डेंजरस बैट्समैन प्रशांत धुमाल, गोल्डन डक के शिकार। बॉल टप्पा खाने के बाद हल्का सा अंदर आया, और जिसकी वजह से लाइन को परख नहीं पाए बल्लेबाज, और क्लीन बोल्ड हुए ऑन ए हैट्रिक पर। अब हैट्रिक पर नेक्स्ट मैच में, क्योंकि 6 ओवर का मैच होता तो 2 स्पेल डाल सकते थे, लेकिन 5 ओवर में 5 गेंदबाज को गेंदबाजी करना होगा, यानी नेक्स्ट मैच में अगर मैच जीतते हैं तो। रसायनी लायंस, पहले दिन भी अच्छा प्रदर्शन, आज के दिन भी जो आखिरी बॉल पर रोहित कदम ने जो चौका लगाया था, कहीं ना कहीं बूस्टअप करेगा कॉन्फिडेंस टीम का पूरी तरह, क्योंकि आखिरी बॉल पर जहां पर आप हार रहे थे वहां पर टीम ने मैच जीता, टीम का जो मोराल होता है अलग ही चरण पर होता है। जिस प्रकार आईपीएल हमने देखा, मुंबई इंडियंस 7 मैचेस हारती है, उसके बाद 7 मैचेस लगातार जीतकर क्वालिफाई करती है, एक मोमेंटम चाहिए रहता है किसी भी टीम को।
प्रशांत आया बॉलिंग करने, हल्का सा शफल हुए थे बैटर राकेश जैन और डॉट बॉल के साथ नए ओवर की शुरुआत। प्रशांत की गेंदबाजी की यही खासियत है, कई बॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस में डालते हैं, कई बॉल थोड़ा सा फ्लाइटेड देंगे। पिछले मुकाबले ये गेंद थोड़ी सी कम गति की थी, ओवर पिच बॉल, इसे ड्राइव किया है कवर की तरफ, एक रन, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14-14 के कुल योग स्कोर पर जा पहुंचा स्कोर। दो विकेट जल्दी गिरे आज पहले ओवर में, कमाल की बॉलिंग रोहित कदम द्वारा, रसायनी लायंस वेल गुड स्टार्ट, शुरुआत अच्छी, लेकिन नेहरू चैंपियंस टीम थोड़ी सी बैकफुट पर, क्योंकि देखा जाए तो शुरुआत में दो विकेट अपने गवा बैठे पांच ओवर के इस मुकाबले में। नितिन एक बार फिर खराब यहाँ पर शॉट सिलेक्शन, आगे बॉल थी थोड़ा लेट आए, फुटवर्क इस बार थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करना चाह रहे थे, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन मूवमेंट जो था बॉडी का थोड़ा लेट आया, जिसकी वजह से ठीक तरीके से बॉल टाइम नहीं कर पाए। डॉट बॉल, हल्के हाथों से बिडॉन की तरफ गेंद को खेला, वहां पर कप्तान युवराज मौजूद गेंद को फील्ड करने के लिए। नितिन के बैट से आता हुआ सिंगल, लेफ्ट हैंडर अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर, राइट हैंडर अब स्ट्राइक पर, लंच काउंटर ओपन हो चुका है, हमारे सभी डॉक्टर भाइयों से विनती, जाकर लंच कर लीजिए। प्रशांत अगली बॉल लेकर, दोनों ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, और इस बार आप देख सकते हैं एक रन, माफ करना राकेश जैन भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ही है, दो लेफ्ट हैंडर मैदान के अंदर उतरे, एक और लेफ्ट हैंडर इस टीम में डॉक्टर मकरांत आठवले, यानी तीन लेफ्ट हैंडर ऑलमोस्ट इस टीम में बैटिंग ऑर्डर में है। ओवर पिच बॉल, ओहो देखिए हाथ में बॉल आ ही नहीं रहा है, इसलिए कहते हैं जेल और तेल लगा के क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट में जेल तेल नहीं सही खेल चलता है। ओवर की समाप्ति, दो ओवर का खेल पूरा हुआ है, दो ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 17 रन। चलते संगीत की तरफ, देखिए पहले के गाने कैसे थे, अभी के गाने कैसे, क्या बोलते समझ नहीं आता है। पहले के गाने देखा जाए तो जिस प्रकार युवराज जी देख सकते मुस्कुरा रहे, यस मोहम्मद रफ़ी के गाने हो गए, किशोर कुमार के गाने हो गए, लता मंगेशकर जी के गाने हो गए, खासतौर पर ऐसे गाने गाने होते थे, और अभी के अरिजीत सिंह हो गए, ले क्या गा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैच में आएगा मज़ा, मैच की तरफ चलते, दो ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 17 रन, लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी है, हम वही चर्चा करें। देखिए भारतीय टीम हमेशा से करती है, जब लेफ्ट हैंडर विरोधी टीम में होते हैं तो ऑफ स्पिनर को एक जरूर टीम में रखा जाता है, कोशिश यही होती है कि जब लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हो तो रविचंद्र अश्विन को याद किया जाता है भारतीय टीम में, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ उनके आंकड़े अच्छे हैं, डेविड वार्नर कितनी दफ़ा वो आउट कर चुके हैं। फाइनल मैच में भी यही स्ट्रैटेजी होती तो शायद वर्ल्ड कप हमारा होता था। डॉक्टर नीलेश लेट आए बॉल पर, कट करता जब चाहे तब तक बॉल निकल चुकी थी जीतू के हाथ में, तीसरा ओवर लेकर डॉक्टर नीलेश सालू के सबसे सर्वाधिक रन, मोस्ट रन्स इन दिस टूर्नामेंट, इनके तरफ ये रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सिक्सर भी इन्होंने लगाया, चौके भी, कवर पॉइंट के ऊपर से इस बार कट किया है, हालांकि बॉल पहुंचता हुआ एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक रन। रसायनी लायंस वर्सेस नेरुल चैंपियंस के बीच ये आज के दिन का डे थ्री फाइनल डे का ये पांचवा मैच, डॉक्टर राकेश जैन और डॉक्टर नितिन दोनों ही लेफ्ट हैंडर। चलिए अच्छा है थोड़ा सा कप्तान के लिए, फील्डिंग टीम के कप्तान के लिए कि ज़्यादा रोटेट नहीं हो रहा स्ट्राइक, यानी राइट हैंडर नहीं आना था, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव के लिए समय लगता। ये बॉल सबमरीन डिलीवरी, उतनी उछाल हुई नहीं जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे बैट्समैन, पढ़कर ये बॉल थोड़ा सा गुड लेंथ पर पड़ने के बाद थोड़ा नीचे रहा, क्रिकेट में हार्ड लेंथ भी जिसे कहते हैं, अगर ये रबर बॉल होता जिस प्रकार रेनी सीजन में बारिश के मौसम में खेलते तो बॉल ये थोड़ा सा हल्का सा स्किट होता था और बाउंस होता था, लेकिन ये बॉल पढ़कर नीलेश की थोड़ी सी नीची रहती हुई, ये बॉल भी थोड़ा सा मिसजज कर गए, आगे की लाइन थी, शफल हुए थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नजर नहीं आया। एक और डॉट बॉल, डॉक्टर नीलेश सालू के बाउंसर कंधे के ऊपर से मारे, ये थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि इनकी बॉल थोड़ी सी स्किट होगी, पढ़कर थोड़ी सी नीचे होगी,
तेज आएगी, कट किया इस बार ऑफ साइड की तरफ, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, गेंद को फील्ड करने के लिए एक रन भाग के पूरा किया राकेश ने। अब स्ट्राइक पर नितिन, स्कोर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। पांच ओवर का मुकाबला तीसरा ओवर चलता हुआ, टोटल स्कोर हुआ है 19, नेरुल चैंपियंस वर्सेज मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान के अंदर, रसायनी लायंस। ये मौका बन सकता है, दूर से खेलने की कोशिश थी, अवे फ्रॉम द बॉडी विद दिया था, लेकिन इस बार फायदा नहीं उठा पाया बैट्समैन। अच्छा कैच जीतू द्वारा, नीलेश सालुके के खाते में विकेट, एक और झटका लगता हुआ टीम नेरुल चैंपियंस की टीम को। टीम का स्कोर है 19 रन 3 ओवर के खेल के बाद। पहाड़ पर भी इस गाने पर रील्स बन रहा होगा। यस, स्कोर 19 रन आफ्टर 3 ओवर। एमसी स्टैन के बाद सीधा हमारे जो डीजे ऑपरेटर है उदित नारायण के पास चले गए। 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 19 रन, चौथा ओवर लेकर आए दीपक। दीपक सरोडे स्ट्राइक पर बैट्समैन आप देख सकते हैं। नितिन, हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल किया है, मौका एक और। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, जिस प्रकार हम कहते हैं पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। विकेट मिला है यहां पर और प्रशांत ने एक लाजवाब कैच पकड़ा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप स्क्वायर के रीजन में। वेल कॉट बोल्ड बाय दीपक, कॉट बाय प्रशांत, एक और सफलता। दो सेट बैटर अब आउट हो चुके, पहले नितिन आउट हुए, पीछे चलते हुए उनके पीछे पीछे डॉक्टर राकेश जैन। एक और झटका लगता हुआ टीम नेरुल की टीम को, टीम का स्कोर है 19। इसलिए कहते हैं कहीं खुशी है तो कहीं गम है, और नेरुल चैंपियंस का स्कोर बोर्ड काफी कम है। ओवर शुरू है और स्कोर कार्ड पर रन लगे हैं मात्र 19, विकेट्स गिर चुका है टोटल 4। अब डॉक्टर विनय कराड़ आए बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर, लेकिन एक सवाल, मकरांत इतना मिडल ऑर्डर में क्यों इतना लेट आ रहे हैं बैटिंग करने? पिछले सीजन मुझे याद है ओवे के मैदान में उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेला था। दीपक ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर ये लाइन विद दिया था, हल्का सा अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर रखा था बैट्समैन से, अच्छी सोच, कोशिश करा रहे कि बल्लेबाज थोड़ा सा गेंद की लाइन में आके शॉट खेले, लेकिन एक गैप नजर आ रहा है विनय के लिए। मैं कहूंगा एक डीप स्वीपर में खिलाड़ी खड़े, वहां से पूरा गैप आपको लॉन्ग ऑफ तक नजर आ रहा है, ऑफ साइड में ट्राई कर सकते हैं एक बड़ा शॉट। इस बार फ्रंट फुट पर आए थे, गैप में खेलने का प्रयास, चलिए डॉक्टर विनय कराड उनके तरफ से, उनके लिए यहां पर इनामी राशि कृष्णा की तरफ से, हर एक बाउंड्री हर एक सिक्स के लिए 100 का कैश प्राइज, शाम की बंदोबस्त, संडे आज। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लालच बुरी बला, 100 रुपए की लालच में यहां पर अपना विकेट गवा बैठे, अन्य आता तुम्हारा 500 रुपए दिया से विनय रिटर्न। विकेट गिरता हुआ यहां पर, और थैंक्स करे रसायनी लायंस कृष्णा को, यस तुम्हारा भेटनर रसायनी लायंस। इंजॉयमेंट क्रिकेट चल रहा है मैदान के अंदर, फ्रेंडशिप क्रिकेट, इसी के लिए तो मित्र क्रिकेट खारगन ने आयोजित किया प्रतियोगिता है। साल में एक बार ऐसा मोमेंट आए, एक साथ सब एकजुट हो, एकत्र आए, वन प्लेटफॉर्म पर आए, और क्रिकेट ऐसा प्लेटफॉर्म है सांस्कृतिक सामाजिक क्रीड़ा इस क्षेत्र के माध्यम से सभी को एक साथ लाता है क्रिकेट। कोई भी फेस्टिवल हो, क्रिकेट शुभ अवसर पर आप क्रिकेट टूर्नामेंट रखिए, सब आएंगे एक साथ। हाफ ट्रैकर बॉल थी, इस बार बैट स्विंग अच्छा है, पीछे खिलाड़ी एक और विकेट, दीपक आए यहां पर और इस कड़कती धूप में भी चमक रहे हैं यहां पर, कमाल की बॉलिंग, एक और झटका, तू चल में आया, और कहीं ना कहीं देखा जाए
यस, जैसे एक लोकल जाता है दूसरा लोकल आता है वैसे बैटिंग लाइनअप चल रही है। तू चल मैं आया और अपना नेहरूल चैंपियन ने छठा विकेट गवाया। बॉलर इज ऑन ए हैट्रिक, हैट्रिक पर है, एक हैट्रिक पूरी की थी डॉक्टर विजय कुमार मित्र खारगर के। हैट्रिक बॉल, ओ विकेट, यस हैट्रिक पूरा किया यहां पर गेंदबाज दीपक ने और साथ ही साथ विकेट मेडन यहां पर डाला, हैट्रिक मेडन ओवर। दीपक चहर की हैट्रिक बांग्लादेश के खिलाफ, वो कौन भूल सकता है, T20I की इकलौती हैट्रिक इंडियन टीम के लिए और यहां के दीपक भी यहां पर चमकते हुए रसायनी लायंस के लिए हैट्रिक पूरी की और साथ ही साथ मेडन ओवर। एक बार जोरदार तालियां इस बॉलर के लिए, व्हाट अ परफॉर्मेंस, कमाल का परफॉर्मेंस यहां पर। फर हमने देखा है, हैट्रिक देखी है, फोर फर लिया यहां पर, चार विकेट यहां पर अर्जित किए दीपक ने एक ही ओवर में। तीन ओवर में 19 पर दो विकेट था, तीन विकेट था, तीन ओवर में 19 पर तीन था और चार ओवर के बाद 19 ही रन है और सात विकेट गिर चुका है। नासिक के अंगूर जिस प्रकार होते हैं गुच्छों में वैसा विकेट चटका है यहां पर दीपक ने। लो स्कोरिंग गेम की तरफ यह मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, यह आखिरी ओवर है, कम से कम इसमें 15 से 20 रन चाहिए नेहरूल चैंपियंस को अगर फाइटिंग लड़ाई लड़नी है तो, कम से कम 15 से 20 रन, क्या मकरांत वो कर पाएंगे। पहली बॉल ऑन साइड की तरफ, अलोंग द कारपेट गेंद को ढकेला है, पीछे खिलाड़ी आते हुए गेंद को फील्ड करने के लिए विदु, एक ही रन स्ट्राइक चाहिए मकरांत को, पहुंच गए। जीतू आए, जीतू पाटिल आखिरी ओवर लेकर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फाइनली छह बॉल के बाद एक सिंगल आया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर। लो स्कोरिंग ये मैच होता जा रहा है, अगर इसको थोड़ा सा फाइटिंग एक सम्मानजनक टोटल तक ले जाना है तो आने वाली बची हुई पांच गेंदों में कम से कम यहां पर 10 से 12 रन चाहिए। जीतू ओवर द विकेट, सुहास के बैट से शॉट था, पीछे खिलाड़ी मौजूद गेंद को फील्ड करेंगे, अब मकरान के पास स्ट्राइक है, गेंदे बची है चार, टोटल स्कोर है 21, अभी नहीं तो कभी नहीं मकरांत अठौले, ये सोच लेकर बैटिंग करनी होगी। नेहरूल चैंपियंस, कल का दिन अच्छा गुजरा था लेकिन आज थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, बीच बीच में ओवर में थोड़ा स्ट्रगल करती नजर आई है टीम। फ्लाइट बॉल थी, ओवर पिच गेंद, इसे ड्राइव किया है, बॉल जाता हुआ यहां पर, ओहो क्या बात है, प्रशांत की लाजवाब क्रिकेट में फुटबॉल नजर आया, पैरों से गेंद को स्टॉप किया है, बैटर आउट, एक और सुहास का विकेट गिरा है रनआउट के रूप में, स्ट्राइक तो मिल गया मकरांत को लेकिन रन मिले सिर्फ एक, एक तुम्हारी तो एक हमारी, वैसा स्कोर कार्ड में अब लिखा जाएगा। डीजे अच्छा, काफी कम लोगों को पता होगा क्रिकेट में प्रैक्टिस, जब इंडियन टीम मैच खेलने उतरती है उससे पहले फुटबॉल प्रैक्टिस क्यों करती है, हमने कई बार देखा फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं प्लेयर्स, थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए क्रिकेट खेलते हैं और साथ ही साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल खेलने का रीजन यही होता है कि आप क्रिकेट में भी इस तरह के पैरों से गेंद को स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक और डॉट बॉल, नेहरूल चैंपियंस साधारण बल्लेबाजी रही, टॉप ऑर्डर ने निराश किया है, मिडिल ऑर्डर में जब मकरांत आए तब तक साथ नहीं मिल पाया नॉन स्टार कैनन के बल्लेबाजों का, लेकिन जीतू और रसानी लायंस की गेंदबाजी कमाल की। हवा में खेला शॉट को, प्रशांत गेंद के नीचे, एक और कैच, कैच प्रैक्टिस चलता हुआ मैदान पे, एक के बाद एक खिलाड़ी आ रहे और अपना गवर्नमेंट नौकरी की तरह अटेंडेंस लगाकर जा रहे, आया राम गया राम, विकेट गया, एक और मकरांत अठौले बैक टू द पवेलियन। ये 22 पर 9 है, हमने एडवर्टाइजिंग में
ऑल आउट का ऐड देखा है मच्छरों के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, ऑल आउट का खतरा, आखिरी बॉल, क्या करेंगे इस बॉल पर, सम्मान बचाएंगे या टीम के लिए रन बनाएंगे। जीतू बैकफुट आगे की बॉल, पीछे खेलने गए और लीजिए ऑल आउट होती हुई टीम, पांच ओवर के अंदर नेरुल चैंपियंस यहां पर ऑल आउट हो चुकी है। 22 रन टोटल बने, 22 रन पे सिमट गई रसायनी लायंस ने कहा था कि चलिए खाना हम बाद में खाएंगे, थोड़ा सा डेजर्ट वाला थोड़ा सा स्वाद चखते इस मैच के परफॉर्मेंस से। परफेक्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग यूनिट देखिए, सभी बॉलर्स ने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया बॉलिंग के जरिए, इकोनॉमिकल बॉलिंग रही है। 22 पर टीम ऑल आउट हुई है यहां पर नेरुल चैंपियंस। चलिए फटाफट फील्डिंग सजाना है और रसायनी लायंस आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट बैटर्स भेजने आपको मैदान के अंदर डगआउट में जाकर। 22 सचिन साहू अंपायर हमारे देख सकते अच्छे क्रिकेटर, आज भी क्रिकेट खेलते और बेस्ट बॉलर का खिताब इनको मिला हाल ही में। अंपायर्स की अगर बात करें तो लंबा यहां पर सीजन चलता हुआ, गणेश बाविस्कर हेमंत कोहली से मैं बातचीत कर रहा था, कह रहे थे 12 दिन से नींद पूरी नहीं हुई हमारी, डे नाइट नाइट डे यही चल रहा है, कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि डे करने जाने के बाद नाइट करते फिर अगले दिन सुबह 4 बज जाता है वो भी डे हो जाता है। अंपायर्स को कहते गुड मॉर्निंग सर, चलिए मिलते हैं शाम को। चलिए बैट्समैन फटाफट आना है, रसायनी लायंस ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम तो होगी नहीं ऐसा प्रतीत होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करना है गेंदबाजों को यहां पर नेरुल चैंपियंस को, क्योंकि जीत के लिए सिर्फ 5 ओवर में अब 22-23 रन चाहिए। नेक्स्ट मैच का टॉस उड़ाकर हम रखते हैं करण जाड़े लायंस और कलंबोली वॉरियर्स। करण जाड़े लायंस के कप्तान से मैं विनती करूंगा प्लीज टॉस के लिए आपको आना है, कलंबोली वॉरियर्स के साथ उनका मुकाबला होगा आज के दिन का मैच नंबर 6 होगा वो 6। ट्वेंटी थ्री का टारगेट, लो स्कोरिंग मैच है लेकिन हाई वोल्टेज बनाना है तो गेंदबाजों को कुछ अलग करना पड़ेगा। एक ओवर में 4 विकेट दीपक ने लिए, राम काफी खुश, राम इसलिए खुश उनकी टीम ने काम किया, काम तमाम किया गेंदबाजों ने तो 10 विकेट्स। यस मैच शुरू करना, बैटर्स भेजना है डॉक्टर नीलेश सालुके। चलिए कॉम्बॉक्स में फेरबदल, आइए सुनते 23 रनों की कहानी हमारे ओजा सर की जुबानी, ओवर टू यू। इसके बाद ब्रेक रहेगा हमारे ऑफिशियल्स अंपायर्स के लिए, खासतौर पर यूट्यूबर्स जो हमारे टीम है यूट्यूब टीम। थैंक यू वेरी मच द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र सचिन गिरी जी, उनको आपने सुना था पहले इनिंग में और दूसरे इनिंग का यहाँ पर आंखों देखा हाल आप मैं लोकेंद्र ओझा के माध्यम से सुनेंगे। तो बहरहाल एकदम कम स्कोर का टारगेट है और डॉक्टर जीतू पाटिल, तो सचिन भाई आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से रत्नागिरी का हापुस, यवतमाल का कापुस प्रसिद्ध है उसी तरह से हमारे जीतू पाटिल जी प्रसिद्ध हैं, कमाल की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सामने नीलेश सालुंके जी हैं, ये जोड़ी सुपरहिट जोड़ी है और ये देखिए बॉलर बैक ड्राइव फुटबॉल यहां पे देखने को मिली और गेंद पैर से लेकर फॉलो थ्रू में जाते हुए गली की तरफ और एक रन दोनों बैटर चुराते हुए। और डॉक्टर नीलेश सालुंके सचिन भाई इस मैच के बाद ब्रेक है, सचिन भाई ऐसी कोई गली नहीं जहां इनके चली नहीं, ऐसा कोई नाका नहीं जहां सालुंके जी का इलाका नहीं, तो हर जगह जहां पर भी जाते हैं अपने बल्लेबाजी की छाप छोड़ते हैं। अभी तक अगर हम बात करेंगे तो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर वही हैं
और ये दोनों जोड़ी सुपर हिट है, एकदम जबरदस्त। और ये अगली गेंद का यहां पर सामना करते हैं, हवाई फायर, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, और ये और ये हाई एंड हैंड से भी स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए आते हुए। और मैंने सचिन भाई, जब मैं उस खेमे में था तो मैंने ऐसे कहा कि आज आइसक्रीम भी है, तो मैंने कहा सर मेल्ट हो जाएगी तो जरा जल्दी, तो सर को लग रहा है कि आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, उसके पहले मार मार के आइसक्रीम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ये A1 जोड़ी है डॉक्टर नीलेश सालुंके जी और इनकी और डॉक्टर जीतू पाटिल की, तो ये बहुत ज़बरदस्त अंदाज में है। आज रास्ता बदल लिया गया है और ये देखिए हवाई फायर एक बार फिर से बैक टू बैक, और ये देखते हैं ये क्या ऐलान होता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स वार्निंग सीमा रेखा पार 1 टप्पर, रन मिलते 4-4 और 4। और बल्लेबाजी करते हुए ये सुप्रसिद्ध जोड़ी है, नागोटने के मैदान पे भी काफी अच्छा इन्होंने खेल दिखा दिया एक बार फिर से, हाई एंड हैंड से पीछा करते हुए दो जोड़ी का, और इसी के साथ ये दमदार सिक्सर। सर सर आइसक्रीम फ्रिज में, आइसक्रीम सर आइस क्यूब में रखा हुआ है तो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से आप इस गर्मी को मेल्ट कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी से, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो जी जी अब लगता है 1 6 मार के जो है ये फिक्स कर देंगे। और जी, और जिस तरह से इंडिया ने अफ्रीका को हराया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, हवाई फायर यहाँ पे मिस फायर होता हुआ, फील्डर उसके नीचे मौजूद हैं, और यहाँ पर ये 2 रन हासिल करते हुए। और सचिन भाई, साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान का जो मुकाबला हिंदुस्तान ने 2 दिन में जीता था, 642 गेंदों में ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड रिकॉर्ड 133 साल के इतिहास में। और मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट का ये सबसे जल्दी मुकाबला, कम गेंदों पर ख़त्म होने का ये मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा। सिर्फ 4 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और यहाँ पर जबरदस्त अंदाज में नेहरू चैंपियंस की टीम अभी तक अच्छा खेली थी, लेकिन ये देखिए अच्छा काउंटर अटैक, और ये लो फुल टॉस गेंद यहाँ पर थी अच्छी, यहाँ पर वापसी। तो बहरहाल इसी के साथ पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन कूटते हुए। रसायनी लायंस और नई मुंबई इंडियंस, ये 2 टीमें हैं जिन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है, और बेहतरीन खेल इन 2 टीमों ने दिखाया है। और ये देखिए ये हवाई फायर, हाई एंड हैंडसम, आसमानी, रहमानी, सुलेमानी, लुकमानी सिक्सर के साथ बिग 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 बड़ी जीत हासिल करते हुए टीम रसायनी लायंस। और मैन ऑफ द मैच जिन्होंने जीत की रसायनी लाइन्स के जीत का दीपक जलाया, मैन ऑफ द मैच मिस्टर एंड डॉक्टर दीपक, मैन ऑफ द मैच। एक